वाई सारी कहाँ तक हो गया था? सर, राजा रवि वर्मा का आपने लिखवाया था लास्ट लाइन, रंगों की निरंतरता मन को मोह लेती है। रंगों की निरंतरता मन को मोह लेती है, राजा रवि ठीक वर्मा। है। आगे लिखिए। उनके प्रमुख चित्रों में उनके प्रमुख चित्रों में सर, आज किसके बारे में लिखवा रहे हैं? कल किसके बारे में लिखा था? बस सर, राजा रवि वर्मा के बारे में। आज उसी के आगे लिखा रहे हैं। राजा रवि वर्मा कविता कौन थे? कविता सर, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट। इंडियन आर्टिस्ट थे। जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। केरल में। केरल में भी कोई जगह होती होगी। कौन से सन में हुए थे? 1948 में। आशुतोष ने बोला भी था, वो प्रोनाउंसिएट गलत हो गया था। 1918 की सॉरी जगह, सॉरी, हाँ, 18, उसके हाँ 1848। बावजूद भी गलत लिखा हुआ है। सॉरी सर। चलिए आगे लिखिए। सर, आपने स्टार्ट कहाँ से किया है अभी बता दीजिए अभी थोड़ा सा। नहीं, अभी कुछ नहीं स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लिखो। जी, उनके प्रमुख चित्र बता रहे थे, लेकिन थोड़ा और आगे लिख लो। राजा रवि वर्मा की कला शैली राजा रवि वर्मा की कला शैली तत्कालीन लोगों के रुचि के अनुरूप थी। तत्कालीन लोगों के रुचि के अनुरूप थी। जिसमें दर्शक की जिसमें दर्शक की कल्पना शक्ति को दर्शक की कल्पना शक्ति को दर्शक की कल्पना शक्ति को आकर्षित करने की क्षमता थी। आकर्षित करने की क्षमता थी। और उनकी लोकप्रियता के
और उनकी लोकप्रियता के लोकप्रियता के लिए यही कारण था। आपने राष्ट्रीय भावना को भी आपने राष्ट्रीय भावना को भी पौराणिक व धार्मिक पक्ष के द्वारा पौराणिक व धार्मिक पक्ष के द्वारा पौराणिक व धार्मिक पक्ष के द्वारा साकार करने का प्रयास किया। कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा को कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा को अभूतपूर्व ख्याति कामा लोकप्रियता तथा सफलता मिली। ईबी हेवेल ने बी बस वाला ई डॉट बी डॉट हेवेल ने आपके चित्रों में आपके चित्रों में आपके चित्रों में अत्यंत 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 कल्पना अत्यंत कल्पना अत्यंत कल्पना प्रणव भारतीय काव्य तथा पौराणिक कथाओं के चित्रण में एवी हेबल ने आपके चित्रों में अत्यंत कल्पना प्रणव भारतीय काव्य तथा पौराणिक कथाओं के चित्रण में काव्यात्मक गुणों का काव्यात्मक गुणों का अभाव तथा मूल भावना से मूल भावना से हटने का आरोप लगाया। किंतु राजा रवि वर्मा ने किसी भी विषय वस्तु किसी भी विषय वस्तु
मात्र अंधानुकरण के रूप में नहीं, बल्कि मौलिकता से चित्रित किया आपने महाकाव्यों के वर्णन को आपने महाकाव्यों के वृत्तांतों या वर्णन को अपने 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 चाक्षुष प्रस्तुतीकरण द्वारा सहज 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 स्वीकार रूप में परिवर्तित किया है। यही कारण था कि आपकी कला जन सामान्य तथा प्रबुद्ध वर्ग दोनों में लोकप्रिय थी। भारत के घर घर में भारत के घर घर में देवी देवताओं की पूजा की जाती और उनका रूप या स्वरूप आपकी तुलिका द्वारा आपकी तुलिका द्वारा आपकी तुलिका द्वारा सृजित हुआ है। आपने चित्रों में आपने चित्रों में आकृतियों के आपने चित्रों में आकृतियों के आकृतियों के शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान दिया है। आप मॉडल का प्रयोग कर आप मॉडल का प्रयोग कर आप मॉडल का प्रयोग कर
मॉडल का प्रयोग कर यथार्थवादी अंकन, यथार्थवादी अंकन करते, जिससे चित्रों में इंद्रियता दृष्टिगत होती है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने आपके चित्रों पर नाटकीय प्रभाव का आरोप लगाया। नाटकीय प्रभाव का आरोप लगाया जिसे आपने स्वीकार किया। भारत भ्रमण तथा मराठी रंगमंच से पौराणिक वेशभूषा कामा भाव भंगिमाओं तथा लोकेशन एक बता दो, क्लास ले रहा है। एक मिनट होल्ड करिएगा। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। दृश्य रूपों का गहन निरीक्षण, किया। जिसके फलस्वरूप नाटकीय प्रभाव आकृतियों के साथ साथ
संयोजन में भी परिलक्षित होता है, संयोजन में भी परिलक्षित होता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने काम किया था तो इन्होंने भ्रमण किया और जो पौराणिक दृश्य थे या उनका जो पौराणिक दृश्य थे और जिस तरीके से उनका मूल्यांकन वो देखते थे, उस तरीके से उनकी वेशभूषा, किस तरीके का उस समय का परिवेश हुआ होगा, इस तरीके की विचारों को उन नाटकों को देखने के बाद निरीक्षण करके फिर उसी तरीके से उसका अपने चित्रों में समावेश किया। इसीलिए उनके चित्र जो थे वो नाटकीय स्वरूप में थे, क्योंकि उन्होंने जो चीजों को उसको जानबूझ के उस चीज करके रखा था। ठीक है, एक सेकंड की क्लास होल्ड करना, अभी आते हैं। हाँ, आवाज आ रही है? जी सर। कविता जी सर। आवाज जा रही है? ठीक यस सर, आ रही है। है, तो इस तरीके से जो उन्होंने चित्र बनाए, जो पौराणिक कथाओं के चित्र बनाए थे, वो इसी तरीके से उन दृष्टांत थे, उनको देखा, नाटकों को देखा, उनसे चीजों को समझा कि किस तरीके का उस समय की स्थितियां थी, क्योंकि जो नाटक किए जाते थे वो एक काल्पनिक वेशभूषा और इन सारी चीजों पर किए जाते थे, तो उसी आधार पर उन्होंने अपने चित्रों का लिया। इसीलिए तो ये जनसामान्य में इतनी आसानी से प्रचलित हो गया, क्योंकि जो चीजें लोगों की भावनाओं का, लोगों का जो दृष्टांत था, उसी स्वरूप में उनके जब वो चित्र देखे तो उन्होंने उनको देवी स्वरूप या उन्हीं का, बहुत से लोग तो बहुत समय तक यही मानते रहे कि मतलब इसी तरीके की मूर्तियां, इसी तरीके के चित्र हुआ करते होंगे। राधा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, के प्रमुख चित्रों में उषा अनिरुद्ध, उषा अनिरुद्ध, कामा, शकुंतला, दुष्यंत, शकुंतला, दुष्यंत, राम द्वारा समुद्र का मान भंग, राम द्वारा समुद्र का मान भंग, सत्यवादी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कृष्ण व बलराम, कामा,
रावण, जटायु। मत्स्य, मत्स्य, गंधी आदि चित्रों में पौराणिक आख्यान, पौराणिक आख्यान दिखते हैं। दक्षिण भारत के जिप्सी आपकी अद्वितीय कृति है, आपकी। सर दिखते हैं कि बात से वाली लाइन दोबारा से बोल दीजिए। दक्षिण भारत के जिप्सी आपकी अद्वितीय कृति है। देवी आकृतियों में केरल के देवी आकृतियों में केरल के नारी सौंदर्य नारी सौंदर्य के प्रतिमान रूपायित हुए हैं। गंगा अवतरण, विराटा का दरबार, दादा भाई नौरोजी, कामा गरीबी, कामा भिक्षाधाम, माँ व बच्चा आदि चित्र जन रुचि के परिचायक हैं, जन रुचि के परिचायक हैं, जन रुचि के परिचायक हैं। आपके चित्रों के प्रमुख शीर्षक निम्नवत हैं, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, दूत के रूप में श्री कृष्ण, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, भिक्षुणी, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, हंस और महिला, कुलीन महिलाएं, कविता। ये कुलीन महिलाएं क्या होती है? सर नहीं पता। आरजू,
नहीं बता सकते। मुस्कान। नहीं पता सर। प्रतिष्ठा। उपासना। नहीं पता। आशुतोष। सर वो महिलाएं जो थोड़ा सा पैसे वाली होती हैं और एक अच्छी जात को बिलोंग करती हैं, थोड़ा सा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। जो जो महिलाएं पैसे वाली होती हैं और थोड़ा ऊंची जाति बड़े से बिलोंग घरानों की करती होती है, जो बड़े और कुल वाले घरानों की होते हैं, उनको कुलीन कहते हैं। मतलब जैसे ऊंचे कुल या कुछ, मतलब राजसी परिवार इस तरीके की। ठीक है ना, क्लियर है कविता? जी सर। स्थान। पक्षी दूत। पक्षी दूत। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, चांदनी रात में साधु और मेनका, वामन अवतार, महिला और दर्पण। वामन अवतार, महिला और दर्पण, सेवानिवृत्त सिपाही, सेवा निवृत्त सिपाही। आपके नारी चित्रण में आपके नारी चित्रण को देखने से, सर एक बार फिर से बोल दीजिए। सेवा सेवा देख लिया था तुमको इसीलिए दोबारा बोला उसको, आपके नारी चित्रण को देखकर टिशियन टिशियन व रूबेंस का स्मरण होता है। स्मरण होता है। कला समीक्षकों की आलोचना के बाद भी कला समीक्षकों की आलोचना के बाद भी यह कहना युक्तिसंगत होगा कि राजा रवि वर्मा ने कि राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक अनुभूतियों को जीवंत बनाया। जीवंत बनाया। ब्रिटिश शासकों के अनेक नियंत्रणों के उपरांत भी ब्रिटिश शासकों के अनेक प्रतिबंधों या नियंत्रणों के बाद भी उन्होंने भारतीय कला के
उन्होंने भारतीय कला के पुनरुद्धार का प्रयास किया। राजा रवि वर्मा ने बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा एक बार फिर से बोल ठीक दीजिए। है बता दिया करो, कभी कभी शासकों के उन्होंने नियंत्रणों के बाद भी उन्होंने भारतीय कला के उन्होंने भारतीय कला के पुनरुद्धार का प्रयास किया प्रयास किया। आपने कला को आपने कला को नई दृष्टि प्रदान की, नई दृष्टि प्रदान की और कला को सार्वजनिक होने की और कला को सार्वजनिक होने के मुख्य भूमिका अदा की। राजा रवि वर्मा के चित्रों को राजा रवि वर्मा के चित्रों को जगमोहन महल, राजा रवि वर्मा के चित्रों को राजा रवि वर्मा के चित्रों को जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे है उपासना? सर नई दिल्ली। कविता सही है ये? जी सर। और इसको क्या कहते हैं? सर और नहीं पता। नगमा किसको कहते हैं? जी सर। नगमा। नगमा। नहीं पता सर। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? नेशनल। नेशनल का एन NGMA। कहाँ है? सिर्फ यही है दिल्ली में। अच्छा, यही हम पूछ रहे थे। उदयपुर के राजमहल, उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सालार, मैसूर का सालार जंग संग्रहालय व केरल के सर एक बार फिर से बोल आज दीजिए। जो है सालार जंग कहाँ है? आशुतोष, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? नहीं पता सर।
सर केरल में। केरल में चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। वहीं पे है, ठीक है। केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देखे जा सकते हैं। केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देखे जा सकते हैं। देखे जा सकते हैं। भारतीय जनता में अचानक आपके चित्रों की मांग, भारतीय जनता में अचानक आपके चित्रों की मांग बढ़ने के कारण अठारह सौ चौरानबे 1894 ईस्वी में बड़ोदरा के तत्कालीन दीवान राजा सर माधव राव के परामर्श से मुंबई में एक मुद्रणालय स्थापित किया। इसमें जर्मन तकनीशियनों की देख रेख में आपके चित्रों की प्रतिकृतियां छपने लगीं। मुद्रित करने से छापने से आपके चित्रों का स्तर मुद्रित करने से आपके चित्रों का स्तर गिरा। फिर भी ये मुद्रित चित्र भारत के कोने कोने में लोकप्रिय थे। राजा रवि वर्मा के ये मुद्रित चित्र राजा रवि वर्मा के ये मुद्रित चित्र भारतीय कैलेंडर कला के विकास का मूल आधार रहे हैं। और ये इनको एक विशिष्ट नाम भी दिया जाता है, जिस जो प्रिंटिंग टेक्निक जो इन्होंने इस्तेमाल की उसको क्या कहते हैं? ओलियोग्राफी। उसमें अलग अलग शिलाओं पे हर क्योंकि ओलियोग्राफी में ये प्रयास किए जाते हैं कि जिस तरीके से ब्रश स्ट्रोक्स जो हम पेंटिंग में लगाते हैं उसी तरीके का आभास चित्रों में रहे, तो उसके लिए ओलियोग्राफ प्रिंट तैयार किए जाते हैं जिसमें कई पत्थरों का इस्तेमाल करके एक प्रिंट निकाला जाता है। तो उस टेक्निक को भारत में पहली बार लाने वाले राजा रवि वर्मा ही थे। और इसी की वजह से आज भी जो ये कैलेंडर की प्रथा है वो आपकी ही देन मानी जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ओलियोग्राफ जो है वो क्या होते हैं और कैसे उसका निर्माण होता है, और साथ में उसकी सर्वप्रथम कहाँ से पहल हुई भारत में।
आपके चित्रों की जनमानस तक इतनी पहुंच हो गई थी कि उस समय के जो एडवर्टाइजमेंट और जैसे जो प्रोडक्ट्स होते थे उन पे भी आपके चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारी चीजें हमको बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, हम वहां से भी देख सकते हैं, हमें नेट पे भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां हमने ये देखा है, जो म्यूजियम्स हैं हम वहां जाके विजिट करके, मतलब अभी हम डिजिटली यानी नेट के थ्रू ही विजिट कर सकते हैं, वहां पर हमें चीजों के बारे में पता चल सकता है। तो काफी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको पढ़ के हम और भी जानकारियां कलेक्ट कर सकते हैं। राजा रवि वर्मा ने निसंदेह कला की भावी समृद्ध परंपरा के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। आप भारतीय आधुनिक कला के आप भारतीय आधुनिक कला के प्रवेश द्वार पर पदार्पण करने वाले प्रथम कलाकार थे। कला समीक्षक अशोक मित्र के अनुसार राजा रवि वर्मा को आलोचित करने की अपेक्षा इतिहासकारों को भारतीय चित्रकला के आधुनिक काल का प्रारंभ। सर, इतिहासकारों के बाद क्या बोला आपने? इतिहासकारों को भारतीय चित्रकला के आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधुनिक काल का प्रारंभ लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने देखने की समसामयिक दृष्टि दी है, क्योंकि उन्होंने देखने की समसामयिक देखने की समसामायिक दृष्टि दी है। लिख लिया? सन 1906
1906 में कला कर्म करते हुए आरजू स्पीकर बंद कर दो कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट महान भारतीय त्रिवेंद्रम के निकट आर टी ट्रंगल में महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा दिवंगत हुए। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर आपका योगदान अविस्मरणीय है। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा यहाँ पर खत्म हुए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं।